हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का पूरा अमाउंट लेकर नहीं आते हैं, कुछ अमाउंट लेकर आते हैं और कुछ अमाउंट लेकर नहीं आते हैं, उस केस में किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। प्रीवियस वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो पार्टनर होता है पूरा गुडविल कैश में लेकर के आता है या फिर एसेट्स के तौर पर लेकर आता है, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, कि वो अपनी गुडविल प्रीमियम का एक पार्ट लेकर आते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे और रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो। न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो पर भी वीडियो बन चुके हैं, सो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो यहाँ पे दो ओल्ड पार्टनर्स हैं बिजनेस में, एग्जिस्टिंग हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं, ए एंड बी, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट्स विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। उन्होंने न्यू पार्टनर के तौर पर मिस्टर सी को एडमिट किया है और उसका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर है मिस्टर सी का, वो है 3/7। और ये 3/7 जो उन्हें मिला है उसे ए एंड बी ने मिलकर दिया है। ए ने दिया है अपने हिस्से का 2/7 उनसे लिया है मिस्टर सी ने, और बी से लिया है 1/7। सो इसके बेसिस पे हम न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जितना वो लोग देते हैं अपने हिस्सा, जो न्यू पार्टनर होता है जितना भी उनसे लेता है ना, जितना पोर्शन लेता है वो हम माइनस करके न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड ब्रिंग्स रुपीज़ 6 लाख एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज़ 7,20,000 गुडविल। सो यहाँ पे वो सिर्फ 60,000 एज अ प्रीमियम लेकर आए हैं, जो कि प्रीमियम अमाउंट उनका टोटल कितना था, 7,20,000। 7,20,000 में से वो सिर्फ 6 लाख रुपये लेकर आए। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सैक्रिफाइजिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लेंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। सो न्यू रेशियो के लिए हम ओल्ड रेशियो ले लेंगे मिस्टर ए का एंड बी का, वो है 3:2 मीन्स 3/5, 2/5। इसमें से हम माइनस कर देंगे वो पार्ट जो मिस्टर सी ने उनसे लिया है। तो सी ने ए से लिया है 2/7 फ्रॉम ए, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 2/7 ए से, और एंड 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम बी। सो माइनस करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का। तो 5×7 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 35। अभी हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस करेंगे। सो 5×7 = 35, 7×3 = 21, माइनस करेंगे 7×5 = 35, 5×2 = 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11। इसी तरह इनका न्यू रेशियो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, 35 हो जाएगा इनका एलसीएम। 5×7 = 35, तो यहाँ पे 7 हो गया, 7×2 = 14, 7×5 = 35 एंड 5×1 = 5, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, मीन्स 11/35, 9/35। इस तरह से इनका न्यू रेशियो आ जाएगा। अब सी का भी देख लेते हैं। सो सी का जो रेशियो बन रहा है वो है 3/7, ये आया कैसे वो देखिए। 2/7 वो ए से लिए थे, 1/7 लिए थे बी से, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये आपस में हो जाएगा 2 और 3, 3/7। ये लिया था उन्होंने, इनका शेयर भी 3/7 था, सो 3/7 आ गया। बट हमें इस चीज़ को सेम करना होता है, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पे एलसीएम 7 की टेबल में 35 आता है, सो हम यहाँ पे 35 ले लेते हैं। ठीक है ना, अभी हम डिवाइड करेंगे, 35×1 = 35, 11×1 = 11। ठीक है, 35×1 = 35, 9×1 = 9, 7×5 = 35, यहाँ पे 5 हो गया, 7×5 = 35 एंड 5×3 = 15। सो यहाँ पे न्यू रेशियो बन जाएगा 11:9:15। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सो न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है।
प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुके हैं, सो आप वहाँ पर भी जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। अभी हम यहाँ पर इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था मिस्टर ए एंड बी का 3/5 2/5। न्यू रेशियो इनका आ गया है, माइनस करेंगे 11/35 एंड 9/35। सो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। सो 5 के टेबल में अगर देखें तो 35 आता है और 35 × 35, सो हम 35 को एज अ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × 7 = 35 एंड 7 × 3 = 21। 35 × 35 एंड 11 × 11 ये हो जाएगा। वैसे इनका भी हम कर लेंगे, 35 ले लिया, 5 × 7 = 35 एंड 7 × 2 = 14। 35 × 35 9 × 9। अभी हम इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करने पे ये 10 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा ए एंड बी का, वो हो जाएगा 10:5। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं, जर्नल इंट्री करेंगे। पहले यहाँ पे गुडविल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, गुडविल किस तरह से वो लेकर के आएंगे। तो वो 6 लाख तो लेकर के आ गए हैं कैश में, ठीक है ना। अभी भी 7,20,000 इनके पास बचा हुआ है। सो जितना भी 7,20,000 इनके पास बचा हुआ है, अभी इसको डिवाइड कर लेंगे वो लोग टोटल, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो लोग डिवाइड करेंगे वो टोटल गुडविल को डिवाइड करेंगे, 7,20,000 को डिवाइड करेंगे। जितनी कैश लाए हैं वो तो ठीक है, बट जब वो लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 7,20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं यहाँ पर। ए के हिस्से में कितनी जाएगी एंड बी के हिस्से में कितनी जाएगी। टोटल गुडविल है इनके पास 7,20,000। इनका जो रेशियो वो है 10/15 10/5 एंड 7,20,000 का 5/15 ये हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम 15 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 48,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इनका हो जाएगा 4,80,000, यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा इनका 2,40,000। ठीक है, तो इस तरह से वो आपस में टोटल ऑफ गुडविल, टोटल अमाउंट जो है गुडविल का, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी हम इंट्री पास करेंगे तो वो कैश जो लेकर आए उसके लिए कैश वाली इंट्री हो जाएगी बैंक करके, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये अगर कैपिटल ला रहे होते तो यहाँ पर कैपिटल भी क्रेडिट हो जाती, बट कैपिटल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ प्रीमियम है, तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट वाली इस एंट्री में हम सिर्फ वही अमाउंट दिखाएंगे जितना वो कैश में लेकर आए हैं। कितना लेकर आए हैं, 60,000। सो सॉरी 6 लाख, 6 लाख। सो 6 लाख डेबिट में जाएगा एंड 6 लाख क्रेडिट में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये एंट्री होगी फर्स्ट जब वो कैश लेकर आते हैं। सेकेंड एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, जब इसी प्रीमियम अमाउंट को जो पार्टनर्स होते हैं ओल्ड वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है प्रीमियम फॉर, दिख नहीं रहा होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जो पोर्शन गुडविल का वो नहीं ला पाते हैं वो उनकी करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है या फिर उनकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है ना, सो 6 लाख प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। अब उनका करंट अकाउंट भी जितना अमाउंट बचा है उससे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी न्यू पार्टनर है, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। और जो ओल्ड पार्टनर है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कैश लेकर आए हैं 6 लाख, वो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, 7,20,000 टोटल अमाउंट था, अभी भी 7,20,000 में से 6 लाख ही लेकर आए हैं और 1,20,000 बचा हुआ है, सो वो भी डेबिट हो जाएगा,
20,000, टोटल 7,20,000 हो गया, जिसे 7,20,000 को पार्टनर्स हमने सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड किया 4,80,000 एंड 2,40,000। तो ए लेंगे उसमें से, सॉरी 4,80,000 ए को मिल जाएगा और 2,40,000 बी को मिल जाएगा उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। एंड रेशियो फाइंड आउट करना पहले बता चुके हैं, जब वो गुडविल का कुछ पोर्शन लेकर आते हैं और कुछ नहीं लेकर आते हैं तो उस केस में इस तरह से हम जर्नल एंट्री को करते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।